गुड मॉर्निंग टेंथ क्लास बेटे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था इकोनॉमिक्स का, सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, इसी में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे डिफरेंट सेक्टर्स। डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से हैं बेटे? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड है बच्चों हमारा सेकेंडरी, और थर्ड है बेटे हमारा टर्शरी सेक्टर। अब देखो बेटे, कंपेयरिंग द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, तो बेटे इनकी कंपेरिजन हम लोग किस तरह से करेंगे? हाउ मच गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्टर, कितनी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं हर एक सेक्टर के द्वारा। हाउ मैनी पीपल आर इन्वॉल्व इन अ डिफरेंट सेक्टर, इन्हीं के आधार पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हमारे तीनों ही सेक्टर्स की कंपेरिजन करेंगे। तो देखो बेटे, इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए GDP का मीनिंग। वॉट डू यू मीन बाय GDP? GDP का मीनिंग यहाँ पर क्या होता है बच्चों? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है बेटे? सबसे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए, इन आवर इकोनॉमी देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो बेटे जब हम लोग GDP को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, वैल्यूज आर कम नोट द नंबर्स। हमें बेटे किसी भी चीज़ की अगर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं बच्चों कि कितनी वस्तुएं बनाई गई हैं, उनकी वैल्यूज़ को लेंगे ना कि उनके नंबर्स को। जैसे देखो बेटे, एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, उसने बनाई बच्चों 5 गाड़ियां, ठीक है। हर एक गाड़ी की जो कीमत है बेटे वो है 10 लाख रुपए। तो यहाँ पर बच्चों ऑटोमोबाइल कंपनी का जो GDP है, वैल्यू कितना है बेटे? यहाँ पर हर एक गाड़ी की कीमत है 10 लाख और 5 गाड़ियां बनाई हैं बेटे, तो यहाँ पर बेटे 50 लाख रुपए क्या हो गया? GDP प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। लेकिन बेटे यहाँ पर हम लोग 5 गाड़ियां नहीं लेंगे, हमने क्या ली है बच्चों? वैल्यू। क्योंकि बेटा अगर हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर में हम लोग GDP को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटे कुछ चीज़ें जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है और बहुत अधिक संख्याओं में बनाई जाती हैं। जैसे आपके लिए एक लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चोक है बच्चों मेरे हाथ में, ठीक है ना, इसका जो कंप्लीट पैकेट है वो कितने का आता है? 10 to 20 rupees का आता है। तो बेटे अगर हम लोग 20 chokes को इक्वल करें 20 cars के इक्वल, तो क्या ये करना कहीं ना कहीं हमारे लिए ह्यूमरस होगा, ठीक है ना, मजाक का विषय होगा। क्योंकि बेटे जब भी हम लोग GDP को कैलकुलेट करेंगे ना, देन वी हैव टू कंसीडर द वैल्यू नोट द नंबर ऑफ गुड्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द GDP। GDP मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहाँ पर? इट इज द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सभी तरह की वस्तुओं का क्या है? सम टोटल है प्रोड्यूस्ड इन ऑल सेक्टर, जिनको बेटे सभी सेक्टर्स के अंदर क्या किया गया है? प्रोड्यूस किया गया है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर उनको प्रोड्यूस किया गया है विदिन अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी कि एक देश, हमारे देश के अंदर बेटे एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उनके मूल्य के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? GDP। क्या कहते हैं? GDP। दोबारा से सुनिए, GDP इज द सम टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द ऑल द सेक्टर्स इन आवर इकोनॉमी इन ए पर्टिकुलर ईयर अंडर द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, हमारी देश की सीमाओं के अंदर रहकर एक साल में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं बनाई जाती हैं उनके मूल्य के जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो बेटे, जब हम लोग GDP को कैलकुलेट करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे सामने आती हैं। वो मुश्किलें कौन कौन सी हैं? जैसे इसमें एक एग्जांपल लेंगे बेटे हम लोग, मान लो बेटे एक फार्मर 400 rupees की जो वीट है बेटे वो सेल कर रहा है बेटा बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। बेटा कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, आटा कंपनी को कितने में सेल कर रहा है बेटा? 600 रुपये में, ठीक है ना, कितने में सेल कर रहा है? 600 रुपये में, ओके। फार्मर ने 400 रुपये की वीट तैयार की है, उसको वो मैन्युफैक्चरर को कितने में बेच रहा है बच्चों? 600 रुपये में। आगे मैन्युफैक्चरर बच्चों क्या कर रहा है? यही जो उसने क्या कर दिया एज ए फ्लोर कंपनी, गेहूं को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटे? आटे में कन्वर्ट कर दिया। ये आगे बच्चों बेकरी वाले को कितने में बेच रहा है बेटा? 800 रुपये में, ठीक है। और आगे बच्चों ये बेकरी वाला बिस्किट तैयार करके इसको बेचेगा बेटे शॉपकीपर को 1000 रुपीज़ में।
कितने में बचेगा 1000 रुपीज में। अल्टीमेटली बच्चों जो बिस्किट्स बनेंगे और कहाँ तक पहुँचेंगे, कंज्यूमर तक पहुँचेंगे, वो पहुँचेंगे बेटा 1200 रुपए के। कितने के पहुँचेंगे बच्चों, 1200 रुपए के। तो बेटा अल्टीमेटली वी हैव टू टेक ओनली एंड ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। हमें बेटा जब हम जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे, इसमें एक एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि जीडीपी की कैलकुलेशन के टाइम हम किस तरह के गुड्स को शामिल करेंगे। तो बेटा इसका आंसर है ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड वाई कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी को कैलकुलेट करते हुए हमें केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेना है। ये बेटे देखो जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में इंटरमीडिएट गुड्स हमारी ऐड हुई है बेटे, तो देखो यहाँ पर अगर मैं इन सबकी 400, 600, 800, 1000 और 1200 की वैल्यू ऐड करूंगी तो दिस क्रिएट्स द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग क्यों है बेटे, क्योंकि बेटे इन अ फाइनल गुड्स अल्टीमेटली इंटरमीडिएट वैल्यूज आर ऑल्सो एडेड। इंटरमीडिएट वस्तुएं कौन सी होती हैं बेटे, देखो पहले तो मैं आप लोगों को डिफरेंस क्रिएट करती हूँ। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रेडी फॉर द यूज ऑफ फाइनल यूजर्स। जैसे बच्चों ये चौक है मेरे पास, दिस इज द फाइनल गुड्स, ठीक है ना। जो लेक्चर स्टैंड है जहाँ पर मैं खड़े होकर पढ़ा रही हूँ, दैट इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स बेटे वो वस्तुएं होती हैं जिन्होंने प्रोडक्शन लाइन को क्रॉस कर लिया है और पूरी तरह से फाइनल यूजर्स के यूज करने के लिए क्या है, रेडी हैं, और उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। अब ये जो कस्टमर को जो बिस्किट मिलेंगे ना बेटे, इसके बाद इसकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगी। बिकॉज व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी वी हैव टू टेकन द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरमीडिएट कॉस्ट आर आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड दीज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन टू द फाइनल गुड्स। अभी जो 1200 रुपए का बेटे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं ऑलरेडी बेटा इसके अंदर 400, 600, 800, 1000 यानी कि हर लेवल पर अगर हम बात करें बच्चों, फार्मर ने कितने का बेसिकली वैल्यू एडिशन किया, यहाँ पर 400 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, उसने कितने का बेचा 200 का, आगे बेकरी वाले को 200 का मिला, ठीक है। उसके अंदर शॉपकीपर को कितने का पड़ा बेटे 200 का, नेक्स्ट होंगे बेटे तो ये भी कितने का बनेगा बेटे हमारा, यानी कि इसने कितने का वैल्यू एडिशन किया 200 रुपए का। तो बेटे यहाँ पर अगर हम बात करें ना बच्चों, तो ये जो हमारे अल्टीमेटली 1200 रुपए हैं, क्या है बच्चों, हमारे अल्टीमेटली जो 1200 रुपए हैं उनके अंदर इन सब की वैल्यू क्या है बच्चों, ऐड है। तो इसलिए बेटा हमें डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग क्या होता है, एक ही वस्तु की कैलकुलेशन दो बार करना। अगर बच्चों मैं 400 रुपए की वैल्यू भी लूँ, 200 की भी लूँ, फिर 200 लूँ, फिर 200 लूँ, फिर 200 लूँ, तो इट मीन्स क्या है कि मैंने एक ही वस्तु की, बने तो अल्टीमेटली बिस्किट्स हैं, मैंने बिस्किट्स की वैल्यू को दो बार काउंट कर दिया है। तो इसके लिए बेटे एक सोल्यूशन होता है कि हम लोग डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो सिर्फ यही दे रखा है कि हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फाइनल गुड्स की वैल्यू को कंसीडर करके, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली बेटे अगर हम चाहें हर एक सेक्टर ने जितना वैल्यू एडिशन किया है उसके टोटल को भी लेंगे ना, तो भी हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हैं। या तो आप लीजिए बच्चों 1200 रुपये फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू, दैट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर हर एक सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया, फार्मर ने किया 400 रुपये का, फिर 200 का, फिर, तो इस तरह बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर तो अल्टीमेटली बच्चों 1200 रुपए ही वैल्यू बनेगी। या तो आप क्या करेंगे, वैल्यू एडिशन को यूज करेंगे कि मूल्य वृद्धि, हर एक क्षेत्र ने अपने लेवल पर कितने कितने की प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में वैल्यू एडिशन की है, कितने की वैल्यू एडिशन करी, फार्मर ने 400 की, आगे मैन्युफैक्चरर 200 की, बेकर के लिए 200 की, बेकर ने शॉपकीपर को बेचा उसने कितने का वैल्यू एडिशन किया 200 रुपए का, और आगे शॉपकीपर ने फाइनली यहाँ पर कंज्यूमर कौन है बेटे, हम सब क्या कर रहे हैं, बिस्किट्स परचेज कर रहे हैं, तो शॉपकीपर ने कितने का वैल्यू एडिशन किया बच्चों 200 का। अगर आप वैल्यू एडिशन को हर एक सेक्टर जो वैल्यू एडिशन कर रहा है अगर उसका भी एडअप कर लोगे तो भी आप लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड कर सकते हो। डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के हमारे पास दो ही तरीके हैं, या तो आप लोग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करें, और या फिर बच्चों आप क्या करें कि हर एक सेक्टर कितना वैल्यू एडिशन करता है अगर आप वो निकाल के उसका सम टोटल करेंगे, देन वी ऑल्सो ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब देखो बेटे जीडीपी का मीनिंग आपको पता है, मैंने यहाँ लिखा जीडीपी इज इक्वल टू प्राइस इनटू में क्वांटिटी, यानी कि जितने की वस्तु हमने बनाई है उसकी कीमत इनटू में क्वांटिटी,
दैट इज इक्वल टू जीडीपी। अब क्वेश्चन आता है व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन व्हाइल यूजिंग व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। जीडीपी को निकालते हुए हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या जो बेसिकली समस्याएं हैं उनसे हम लोग कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट है बच्चों हमारा ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू आर टेकन। इट मीन्स क्या है, हमें केवल अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को लेना है। दूसरा है बच्चों वैल्यू ऑफ गुड्स, नोट द नंबर ऑफ गुड्स। हम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य लेंगे ना कि उनकी संख्या, ना कि नंबर्स इंक्लूड नहीं करने। वी हैव टू सम अप द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एवरी सेक्टर इन अवर इकोनॉमी। नेक्स्ट है बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड। व्हाई इट इज आर नॉट इंक्लूडेड, बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स आर आल्सो द पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स। अब 1200 रुपए के अंदर बच्चे ये सब ऑलरेडी क्या है, अल्टीमेटली ऐड हैं, तो इसलिए बेटे इंटरमीडिएट गुड्स को अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट है बच्चों टू अवॉइड डबल काउंटिंग। अगर हम लोग डबल काउंटिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, समस्या से बचना चाहते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब हम बात करते हैं कि डबल काउंटिंग जो है बेसिकली इसको तो अवॉइड कर सकते हैं फाइनल गुड से। अल्टीमेटली जीडीपी की कैलकुलेशंस का काम कौन करता है बेटे, जीडीपी को कैलकुलेट करना अपने आप में ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, बट इट इज डन बाय कौन करता है जीडीपी की कैलकुलेशन, अवर सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगा बेटे, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑल द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल पर है, चाहे वो यूनियन टेरिटरी लेवल पर है, उन सबकी हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, जीडीपी की कैलकुलेशंस करती है। आप सबको पता है बेटे, अगर हम आज की बात करते हैं तो ड्यूरिंग पैंडेमिक क्या हो रहा है बेटे, हमारे जीडीपी का लेवल बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर बेटे ग्रेट डिप्रेशन आने से, डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्रेशन, जैसे बेटे वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आया था 1929 के अंदर, ऐसे ही बेटा इस टाइम भी क्या चल रहा है, डिप्रेशन का टाइम चल रहा है, मंदा चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि बेटे लोगों के सोर्स ऑफ इनकम पहले से क्या हो गए हैं, काफ़ी कम हो गए हैं, जिसके कारण जो लग्जूरियस गुड्स हैं उनकी डिमांड अल्टीमेटली क्या हो गई है बेटे, कम हो गई है, और लोग केवल और केवल जो उनकी मोस्ट रिक्वायरमेंट गुड्स हैं उनको ही खरीद पा रहे हैं। तो बेटे जीडीपी एक इकोनॉमी की बेसिकली सिचुएशन को बताने के लिए, उसकी डेवलपमेंट को एक्सप्रेस करने का एक बहुत ही अच्छा इंडेक्स कंसीडर होता है। तो बेटे आज की वीडियो में आपको पूरा जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है इसको अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए बेटे। अगर आप इकोनॉमिक्स आगे फर्दर फॉलो करते हैं बेटे, तो आपको 12th के अंदर यही सेम टॉपिक डिस्कस, यही सेम टॉपिक आपको इसी लेवल पर डिस्कस किया जाएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।